मैडम जी लिपसिंग करा है, स्लोमो चला है, तो मैडम जी घनखरे का यूके टैलेंट है, आप क्या कहना चाहो? नहीं, फैन फॉलोइंग है, कोई मिलना चाहो तो कहाँ पे मिले? नहीं मिल सकती मतलब हम किस्मत वाले समझे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड सुखन रेडू। तो दोस्तों, फ्रेम में देखने लग रहे क्यूट सी प्यारी सी लड़की, आप सब जानो भी हो, नाम है प्रियंका मोंगिया। हरियाणवी इंडस्ट्री में गाना लेके आए हैं फिलहाल बावड़ा सू, और रील पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, टिकटॉक पर भी थे मैडम जी, और मैडम जी का चैनल पर स्वागत कर रहा। तो मैडम जी पहले तो राम राम। राम राम सर। कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। फुल एनर्जी मैम? फुल एनर्जी है। चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओके मैम, पहले तो एक सॉन्ग के बारे में बात कर लिया, बावड़ा सू, कैसे क्या माइंड में आया स्टार्टिंग की? माइंड में कोई नहीं था, सारी चीजें अनप्लान थी, प्री प्लान कुछ भी नहीं था, और बिकॉज मैं एक्टिंग लाइन में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इन्होंने मुझे पिच किया सॉन्ग के लिए, तो फिर मैंने ना सोचे समझे मैंने हाँ कर दिया। ना सोचे समझे मतलब गाना वरने का था टाली बाज की क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा गाने पसंद है हरियाणवी इंडस्ट्री के, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ उनके गाने। ओके, वैसे आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। गांव जिला बताओ। मैं पंजाब से हूँ वैसे, लेकिन मैं स्टे मेरा दिल्ली। पंजाब से हो जी? मैं प्राउड वाली बात है मैडम जी, पंजाबी आई एम हरियाणवी। ओह ग्रेट ग्रेट, इकट्ठे भाईचारा इकट्ठा हो गया जी। अच्छा मैम, बात कर रहा हूँ थोड़ा, टिकटॉक पे थे आप बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, कितने फॉलोअर थे? 25 मिलियन। कैसा लगा उस दिन बैन हो गई? थोड़ा सा बुरा तो लगा था, बट फिर मैंने सोचा कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है तो सोच समझ के, हमारी सिक्योरिटी हमारी सेफ्टी के लिए लिया है। अगर इंस्टाग्राम बैन हो जाए तो पीछे लाग लिया हमारा है। कोई नहीं, हमारी किस्मत ले जाएगा, बैन हो भी जाएगा। टैलेंट होना चाहिए अपने अंदर। मतलब मानना मैडम जी लिपसिंग करा है, स्लोमो चला है, तो मैडम जी घनखरे का यूके टैलेंट है, आप क्या कहना चाहोगे? टैलेंट हर चीज में ऐसी बात नहीं है, अगर क्रिएटर एक वीडियो बनाता है 15 सेकंड के, तो उसके पीछे की बहुत मेहनत होती है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये व्लॉगर है, ये टैलेंट नहीं है। टैलेंट बिल्कुल है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टैलेंट पसंद करते हैं। राइट, मेरे जो कमेंट आ रहे थे यूट्यूब पे, भाई प्रियंका मैम का इंटरव्यू करो, तो आज पर्सनली मैम मिल गए, और क्या कहना चाहोगे जो आपने प्यार करे? सभी फैंस को थैंक यू सो मच, आप ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो, और मुझे पता है अभी तो हमारे 9.1 मिलियन है, अब आगे 20 मिलियन भी टच करेंगे। अरे मैम सही बोल रहे हैं आप, तो कह रहे थे डरते थोड़ा बहुत तो लगता है ना कैमरे के सामने, हल्का बहुत रहता है, ये तो छोटा ही कैमरा है, इतना बड़ा फेस करके आ नहीं, आपने इंटरव्यू लिया इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आपकी क्यूटनेस का क्या राज? क्यूटनेस का राज ये है, हैप्पी रहो, खुश रहो, और मेरी मम्मा से आई मेरी क्यूटनेस। अच्छा, पहली वीडियो इंस्टाग्राम पर कौन सी वायरल हुई थी जो उन्होंने लगे हाँ अब तो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए? इंस्टाग्राम पे मेरे एक्चुअली जिम का कंटेंट भी है, और हमने 3 फ्रेंड्स ने बनाई थी एक साथ, तो वो टिकटॉक के टाइम में बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो, तो बस ऐसे मजाक में बन गई, और पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आई, उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार दिया। अच्छा, इतने फैन फॉलोइंग है, कोई मिलना चाहो तो कहाँ पे मिले? नहीं मिल सकती मतलब हम किस्मत वाले समझे बिल्कुल, किसी इवेंट्स वगैरह पे अगर मेरा कोई इवेंट होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, वैसे नहीं मिल पाऊंगा। अच्छा, वो कौन सा दिन था जो डीमोटिवेट हो गए थे, मतलब छोड़ दिया अब तो नहीं रहने? हर किसी की क्रिएटर के लिए एक डीमोटिवेशन वाला लेवल आता है जब उसका वीडियो जाता नहीं है आगे, है ना, तो मेरे लिए भी ऐसी डीमोटिवेशन आई थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नहीं आप कर सकते हो, कर सकते हो। ये ऐसे झूठ लग रहा है हमको क्योंकि आप टिकटॉक पे थे एकदम इंस्टा वायरल हो गए, लेकिन वही ना, अगर मैं मेहनत नहीं करती तो फिर मैं आगे कैसे पहुंचती? नहीं, एक तो जैसे टिकटॉक बैन होते इंस्टाग्राम पे आगे एकदम से पिक होया, वो हो सकता है कि ऑडियंस मुझे प्यार करती थी, उन्होंने मेरा चेहरा पहचाना हुआ था ऑलरेडी, तो मुझे जैसे टिकटॉक बैन हुआ मुझे इंस्टा पे ढूंढने लग गए जी, तो वैसे ही एक दिन में हमारे आई थिंक 1 मिलियन टच कर लिया था मैंने इंस्टाग्राम जैसे वो टिकटॉक बंद हुआ, सब फैंस का प्यार है। अच्छा, जो डीमोटिवेट हुआ इन्फ्लुएंसरों से क्या कहना चाहोगे? डीमोटिवेशन बिल्कुल मत रखो, कुछ भी नहीं है, आप अपना हार्डवर्क करो, हार्डवर्क डेफिनेटली पेज ऑफ, आपको जरूर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, और सबको इंस्टाग्राम आगे बढ़ाता है, जैसे मुझे बढ़ाया आप भी बढ़ा सकते हैं, अपना कॉन्टेंट पे काम करो एंड रेगुलर वीडियोज अपलोड करो। अपने आपको 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 out of 10। व्हाई? कम तो कोई भी नहीं देगा किसी को, किस कारण? मतलब एक तो खूबसूरती, एक टैलेंट, कुछ तो सब चीज में, मतलब ऑलराउंडर हूँ मैं, खूबसूरती, टैलेंट, लिपसिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, मोटिवेशन, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। अच्छा मैडम जी, इन बहुत ज्यादा फैन मिला है, ऐसा कोई फैन जो सबसे अलग करके गया हो और मतलब आज तक माइंड में चल रहा है? मेरे काफी सारे फैंस हैं जो मेरे टिकटॉक के टाइम से हैं, उनको मैं अभी भी जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उनसे बात करती हूँ, खुद से बात करती हूँ मैं इंस्टाग्राम से, वो मुझे मैसेज करते हैं, हाँ जी मैं उनको डेफिनेटली रिवर्ट करती हूँ, बट कमेंट में देखूँ मैडम जी इतने दिन हो गए डीएम करे चेक तो कर लो, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आई होप मेरे फैन समझते होंगे कि रोज के इतने मैसेज आते हैं कमेंट्स में, मैनेज कौन करता है? मैनेज कंपनीज है, वैसे मेरा इंस्टाग्राम मैं खुद ही चलाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे फैंस किसी और के हाथ में जाएं। आपके अकाउंट कितने हैं?
मेरा एक ही अकाउंट है। नहीं, 4 लाख वाला किसका? वो सारे फैन पेजेस हैं। मेरा अकाउंट एक ही है, 9.1 मिलियन वेरीफाइड अकाउंट ब्लू टेक पर। अच्छा, वो लोग कमेंट वहां भी कर रहे हैं? नहीं, वो मेरे सारे फैन पेजेस हैं। अच्छा, ऐसा कोई क्रिएटर आप पे हो मेरे सामने जिसके सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले पेज? बस यही है कि सब चल रहा है धीरे धीरे, बाकी क्या कह सकते हैं। मैडम जी, हरियाणवी इंडस्ट्री में आ तो गए हो, किसके गाने बढ़िया लगते, कौन सा सिंगर पहले तो फीमेल में बताओ फिर मेल में? मेरे को सभी के गाने अच्छे लगते हैं, डिपेंड करता है आपका उनका यू नो लिरिक्स कैसे हैं। मेरे को सभी के, मेरे को हरियाणवी इंडस्ट्री के सारे गाने, मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके गाने। कोई एक सिंगर हो बढ़िया? अभी मुझे मेरा गाना अच्छा लगता है, बाबा सुना दे दो। तू तिखी मिर्च मेरी, मैं तेरा आंवला सू, मैं प्यार करूं तेरे पे, मैं भी तो आंवला सू। तो आप जल्दी जरूर गाना ये सुनिएगा। अच्छा मैम, बात करा कमेंट देखा, शादी कब कर रहे हो? शादी का अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर कुछ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं देखूंगी। देख लोगे? ले भाई, किस्मत जाग जाए, कमेंट कर देने चाहिए। बिल्कुल देखेंगे। वैसे मैम किस तरह का लड़का चाहिए, मतलब एक वो हनी माइंड में इस तरीके का लड़का मिल जाए लाइफ पार्टनर? कुछ नहीं, हार्ड वर्किंग हो, डिसेंट हो, दैट्स इट। ऐसा कुछ पिक्चर बनाया नहीं। जो वीडियो देख रहा भाई, मैं भी हार्ड वर्कर हूँ, मेरे बिजनेस है, दो दुकान खोल। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपकी आंखें बहुत प्यारी। थैंक यू। लेंस तो नहीं? लेंसेज ही हैं। ओह अच्छा, अभी तो लेंसेज ही हैं, बाकी आगे अगर ऐसी हो गई तो अच्छी बात है। अच्छा मैम, इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल लड़कियां, कौन सी फेवरेट है, कौन सी मतलब किसका काम अच्छा लग रहा है? मैं अपनी फेवरेट हूं। खुद गई सुना, मतलब किसी के बता नहीं रही। नहीं, मुझे सभी अच्छी लगती हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ इन्फ्लुएंसर का नाम ले? नाम नहीं ले सकते ना, किसी को डीपीएम हो जाएगा ना फिर। ओके, नहीं बताना चाहिए। अच्छा मैं, सारी अच्छी हैं, कोई दिल पे बात मत लेना, सारे बहुत अच्छे हैं, सारे हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो इतने फैन फॉलोइंग में प्यार कर रहे हैं, जो मिलना चाह रहे हैं उनके कहो? मैं बस अभी अपने फैंस से यही कहना चाहूंगी कि ऐसे आप प्यार करते रहें, और डेफिनेटली आप मिलना तो होने में, मिलना भी डेफिनेटली मैं पॉसिबल कराऊंगी। अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम इवेंट अरेंज करेंगे और आपसे जरूर मिलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन सवाल है मैम, जो कमेंट देखो मैं गनघरे नु करे कंपनी वाले, मैंने प्रमोशन कराने, मैम रिप्लाई नहीं दे रहे, प्रमोशन वाला का क्या रहेगा? प्रमोशन वाले का ये है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, बिकॉज कमेंट्स में हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम ईमेल के थ्रू बिजनेस करते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए। तो थैंक यू मैम, इतना कीमती समय दिया आपने, और दोबारा भी मिलेंगे, हम आते रहते शो पे। जरूर जरूर सर। ये थी हमारे साथ प्रियंका मैम, और कमेंट करती हो जो भी आपकी राय रहोगी, दोबारा फिर मिलते हैं। तो वीडियो किसी लगी शेयर कर दियो। जय हरियाणा, जय हरियाणा।